प्रीपेड मीटर को लेकर हर जगह विविध संगठन की ओर से आंदोलन किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रीपेड मीटर पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर नाना पटोले बोले कि सरकार द्वारा जनता को लूटने की योजना बनाई जाती है, उसी में से ये एक योजना है। इस योजना को कांग्रेस पार्टी का हमेशा ही विरोध है। नरेंद्र मोदी के मित्रों को जनता को लूटने के लिए कोई योजना बनाई जाती है, उसमें का ये स्मार्ट मीटर योजना है। लेकिन जो हाथ पे कमाने वाला खाने वाला जो गरीब आदमी है, रिचार्ज उसने नहीं किया तो अंधेरे में ही उसको रहना पड़ेगा। और ये जनता को अंधेरे में रखने वाली योजना है, इस योजना का हम विरोध करते हैं। जनता को अंधेरे में रखने वाली सरकार को जनता ही अंधेरे में रखेगी, ऐसा समय उनके लिए लाए। तुरंत ये स्मार्ट मीटर की योजना सरकार ने बंद करना चाहिए, ये मांग कांग्रेस पार्टी की है।